चलिए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे और अब आपको बता दें कि भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर एक बार फिर से सियासत गरमाती हुई देखी जा रही है। दरअसल जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी का ऐलान सामने आया है। जीतू पटवारी के हर कार्यक्रम में काले झंडे दिखाने का ऐलान किया गया। जीतू पटवारी ने कल ग्वालियर में दिया था इमरती देवी पर विवादित बयान। जीतू पटवारी ने कहा था इमरती जी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए वो अब कुछ बाकी नहीं है। बयान पर बवाल के बाद जीतू पटवारी ने हालांकि माफी भी मांगी। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। जीतू पटवारी ने माफी मांगते हुए इमरती देवी को बताया मां के समान। इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, ये पोस्ट उन्होंने किया और साथ ही बड़ी बहन मां के समान होती है, अगर मेरी बयान से किसी का दिल दुखा तो खेद व्यक्त करता हूं। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि जीतू पटवारी का वो बयान जिसको लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूंगा। तो ये बयान जीतू पटवारी द्वारा दिया गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही सियासत गरमाई वैसे ही जीतू पटवारी द्वारा इस पूरे मामले पर माफी भी मांगी गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए एक तरफ तो बीजेपी कह रही थी जीतू पटवारी जहां भी कार्यक्रम करने पहुंचेंगे वहां पर काले झंडे दिखाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी ने इस पूरे बयान के बाद माफी भी मांग ली है। फिलहाल क्या सियासत वहां पर, कितनी सरगर्मियां? देखिए बिल्कुल, जीतू पटवारी के बयान आने के सामने जिस तरह से बीजेपी हमलावर हुई है उसके बाद जीतू पटवारी ने खेद व्यक्त किया है अपने बयान को लेकर। लेकिन अभी चुनाव का समय है और बीजेपी इसे भली भांति समझती है इसका किस तरह से उपयोग करना है, और कहें तो समूचे मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतू पटवारी पर हमलावर है और बाकायदा प्रदेश कार्यालय से ये निर्देश दिए गए हैं सभी बीजेपी के जिला अध्यक्षों को, महिला मोर्चा को, कि जिस जिले में जीतू पटवारी जाए वहाँ उनका विरोध करना है। विरोध का तरीका क्या होगा कि काले झंडे दिखाएं, उनका पुतला दहन करें और उनको उस जिले में ना आने दिया जाए। ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय की ओर से सभी जिलों में कहा गया है। अब जीतू पटवारी को लेकर जिस तरह से एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है, हम कह सकते हैं कि कुछ समय बाद जीतू पटवारी जहां पर पहुंचे हो सकता है वहां पर विरोध की तस्वीरें अब सामने आने लगे। लेकिन पूरे मामले को लेकर जीतू पटवारी जरूर खेद व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने जा रही है। और बीजेपी के एक और जहां पर पूरी पार्टी हमलावर है, वहीं जो बीजेपी के महिला नेत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं कृष्णा गौर, वो भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जीतू पटवारी पर हमला बोलेंगी। यानी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, उस चरण के चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा जो गूंजने जा रहा है वो जीतू पटवारी के बयान को लेकर मुद्दा गूंजने जा रहा है। कई तरह की तस्वीरें आप देखने को मिलेंगी। कृष्णा गौर कुछ समय बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जीतू पटवारी पर हमला बोलेंगी और जीतू पटवारी के साथ ही पूरे कांग्रेस को कटघरे में करने की रणनीति जो है बीजेपी की। राकेश, इसका कितना खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? इसका कितना खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? देखिए अब ये देखना, देखिए बिल्कुल देखना ये होगा कि अब जब बीजेपी जिस तरह से हमलावर हुई है कांग्रेस की ओर से, इसका क्या कांग्रेस क्या काट निकालती है, कांग्रेस अपना पक्ष कैसे रखती है। हालांकि जीतू पटवारी जो है खेद व्यक्त कर चुके हैं और खेद व्यक्त करने के बाद जो हम बात करें कि जीतू पटवारी अपना पक्ष रख रहे हैं, बीजेपी लगातार हमलावर है, तस्वीरें जो है कई तरह की देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। अब मामला ये है कि अब बीजेपी लगातार हमला बोल रही है, लेकिन जीतू पटवारी अपना पक्ष कैसे रखेंगे, कांग्रेस अपना पक्ष कैसे रखेगी। और ये जो बात कही जा रही है कि समूचे मध्य प्रदेश में जो जीतू पटवारी का विरोध हो, क्या वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्या जीतू पटवारी का कोई शेड्यूल जारी होता है वहां पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेंगी, तो इंतजार इस बात का करना होगा कि जीतू पटवारी का अगला कदम क्या होगा और बीजेपी उसका किस तरह से जीतू पटवारी का हमला बोलती है और तस्वीरें जो है सीधे तौर पर एक मैसेज देने का प्रयास करती है। अगर हम पूर्व में देखें तो इस तरह के बयान कई कांग्रेसियों ने दिया और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बीजेपी ने उसे तूल बनाकर कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार में भी उसका इस्तेमाल किया। और एक बार फिर से, अगर जीतू पटवारी द्वारा
एक उच्च स्थान पर काबिज हैं वो कांग्रेस में, उनके द्वारा अगर इस तरह का बयान दिया जाता है वो भी किसी महिला के प्रति, तो जाहिर तौर पर इसका जो डैमेज है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल, हम पूरी तस्वीरों को देखें कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो मुख्य रूप से मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दे जो है भुनाने का कांग्रेस ने प्रयास किया लेकिन गूंज नहीं पाए। पूरी तरह से राष्ट्रीय मुद्दों पर ही मध्य प्रदेश में मतदान हो रहा है और बीजेपी भी इसी कोशिश में थी कि राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान हो, लेकिन कांग्रेस बार बार स्थानीय मुद्दे उठाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस बीच जब तीसरे चरण की बारी आई तो बीजेपी को लगे हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया हाथ, और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने अपनी जो रणनीति तैयार की है। दरअसल कल जब जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में थे कल रात में, तो उनको भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि बीजेपी की ओर से कहा गया था कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं उनके तरफ से ये बयान सामने आया है, और जेपी नड्डा ने कहा था कि इस बयान को बीजेपी गंभीरता से ले, और जेपी नड्डा ने कहा एक तरफ बीजेपी नजर आ रही है राकेश, और कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दों के तौर पर इसे आगे रखा जा रहा है बीजेपी द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। Thank you.